साल 2023 भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल बीजेपी और कांग्रेस 9 बार आमने सामने होगी, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की जंग देखने को मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2023 के ये राज्यसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा इन राज्यों के चुनाव तय कर देंगे। साल 2023 के शुरू से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। साल के शुरू में 4 राज्यों में चुनाव हैं, जबकि साल के आखिरी में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे, तो पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। जबकि हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, वहां पर भी चुनाव हैं। ऐसे में जिस तरीके से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, तो वहीं नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज हैं। हालांकि बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना में KCR की पार्टी BRS काबिज है। इन राज्यों के चुनाव देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे। ऐसे में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा होगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी इन चुनावों में एक बार फिर से अपना दम भरने के लिए उतर सकती है। जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस साल होंगे या नहीं ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2023 में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीटों का परिसीमन हो चुका है और चुनाव कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कह चुकी है कि जल्द ही यहां पर चुनाव कराए जाएंगे। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं और अप्रैल से मई के बीच में यहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो 10 राज्यों में फिलहाल 2023 में चुनाव होंगे, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दल अपना दम भरते दिखेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि पंजाब जीतने और गुजरात में दम भरने के बाद इन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करना चाहेगी। आपको बता दें कि 2023 में 9 राज्यों और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो कुल 10 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें आती हैं, जो कुल 543 संसदीय सीटों की 17% सीटें हैं। ऐसे में 2023 के चुनाव नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, इसीलिए बीजेपी पूरे दम के साथ इन राज्यों में चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनौतियों को पार पाने के लिए पूरा दम लगाएंगे।